अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आज ही रम झाझर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरसी रम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ की 10 महत्वपूर्ण खबरों की बात करेंगे तो आज की सबसे पहली बड़ी खबर है मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए। स्कॉलरशिप प्रोग्राम हार्डवेयर बिजनेस स्कूल के सर्टिफिकेशन सहित देश की टॉप यूनिवर्सिटी से MBA करने वालों को मिलेगा मौका। एजुकेशन लोन में भी होगा सहयोग। नेशनल स्कॉलर्स ग्रुप ने छत्तीसगढ़ के साथ देश भर के मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू कर रहा है। प्रदेश के ऐसे बच्चे जो MBA कर करियर को एक नई ऊंचाई देना चाहते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा मौका साबित हो सकता है। इसके तहत देश भर के होनहार स्टूडेंट्स को MBA की पढ़ाई पूरी करने के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। स्टूडेंट्स को डाटा साइंस एंड बिजनेस, एनालिटिक्स, बैंक एंड फाइनेंस, HR और मार्केटिंग जैसी स्ट्रीम से MBA करने का मौका दिया जाएगा। तो आज की दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। राजेश मूरत के इलाके में कुछ तो गड़बड़ है। व्हाट्सएप ग्रुप में कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा। दूसरी तरफ क्षेत्र में साहू समाज के ही विधायक चुने जाने की चर्चा हुई तेज। खबर है रायपुर क्षेत्र का, जहां पर सियासी दलों ने भले ही चुनावी बिगुल ना फूका हो, मगर अब इलाकों में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश नेता करते नजर आ रहे हैं। इन दिनों ऐसी ही सियासी हलचल भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है। खासकर पश्चिम विधानसभा इलाके में कार्यकर्ता एक नए समीकरण की ओर आस लगाए बैठे हैं। हाल ही में साहू समाज के प्रमुख नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल साहू का दौरा पश्चिमी विधानसभा इलाके में हुआ था। गुड़ियारी का वो हिस्सा जहां कभी पूर्व मंत्री राजेश मूरत के नाम का सिक्का चलता था, वहां अब मोतीलाल साहू के जयकारे लग रहे हैं। और आज की तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। डूबने से किसान की मौत। दंतेवाड़ा में नदी में नहाने गया था गणेश, 5 घंटे बाद तैरती मिली लाश। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नदी में डूबने से एक किसान की मौत हो गई। गुरुवार को किसान गणेश अपने खेत में हल जोतने के बाद नदी में नहाने गया था, लेकिन कुछ घंटे बाद किसान की लाश पानी में तैरते हुई मिली। ग्रामीण मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए गीदम अस्पताल लेकर आए, जहां PM के बाद उन्होंने शव को वापस घर ले जाने के लिए अस्पताल प्रबंधन से शव वाहन की मांग की, तो ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें गाड़ी नहीं दी गई और खुद की व्यवस्था से शव को लेकर जाने को कहा गया। इस बीच परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं यह पूरा मामला गीदम थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। और आज की चौथी बड़ी खबर की बात करते हैं। धर्मांतरण के विरोध में बस्तर में बड़ा प्रदर्शन। श्री राम रथ के साथ सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली। पूर्व सांसद नंदकुमार साय बोले, धर्मांतरण का विषय बस्तर में चिंताजनक है। धर्मांतरण को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों में जन जागरण यात्रा निकाली है। जगदलपुर शहर में धर्मांतरण को लेकर भाजयुमों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने प्रभु श्री राम का रथ निकाल शहर के मुख्य चौक चौराहों में घुमाया। इधर दंतेवाड़ा जिले में भी धर्मांतरण के खिलाफ कार्यकर्ता लामबंद हुए हैं। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद कुमार साय भी दंतेवाड़ा में जन जागरण यात्रा में शामिल होने पहुंचे। इस मौके पर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी देखने को मिला। और आज की पांचवी बड़ी खबर की बात करते हैं। नक्सलियों से लड़ने महिलाएं भी साथ। दंतेवाड़ा की डिनेक्स फैक्ट्री में सिरिडी सिंबल वर्दी स्वतंत्रता दिवस पर पहनेंगे DRG के जवान। अफसर बोले, विकास का 3D फॉर्मूला है। छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिला में इस बार का स्वतंत्रता दिवस फिर से खास होने वाला है। 15 अगस्त पर जिले में सुरक्षा और विकास की झलक एक साथ दिखाई देगी। पहली बार डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड DRG जवान अपने ही जिले की सिली हुई वर्दी पहनेंगे। वर्दी पर D का सिंबल भी है। जिले की डिनेक्स फैक्ट्री में 500 जवानों की वर्दी की सिलाई का काम पूरा कर लिया गया है। एक वर्दी पर ₹750 का खर्च हुआ है। खास बात यह है कि नक्सल इलाके से आने वाली महिलाओं ने ही नक्सलियों से मोर्चा लेने वाले जवानों के लिए इस वर्दी को सिला है। और आज की छठी बड़ी खबर की बात करते हैं। ऑनलाइन ठगी में माहिर, मैं स्टेट बैंक में रहता हूं, आकर मिल सकते हैं, ऐसा झांसा देकर 63 लाख की ठगी करने वाले बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। बिजली विभाग के रिटायर्ड कर्मी 63 लाख की ऑनलाइन ठगी जामताड़ा के गिरोह बाजों ने की। पुलिस ने छापे मारकर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गैंग बाजों ने रिटायर्ड कर्मी के कोरोना से मृत बेटे का खाता अपडेट करने का झांसा देकर 15 दिन में उनके खाते से पैसे उड़ाए। गैंगबाजों ने रिटायर्ड बिजली कर्मी को फोन पर झांसा दिया कि वे जय स्तंभ चौक स्थित स्टेट बैंक में बैठते हैं, आकर मिल सकते हैं। ठगों ने जिस तरह बैंक का सही सही पता बताया, उसे सुनकर ही बुजुर्ग पूरी तरह से झांसे में आ गए।
और अब आज की सातवीं बड़ी खबर की बात करते हैं। यूको बैंक का ताला तोड़ा, आरोपी युवक को बैंक के अंदर से ही किया गया गिरफ्तार। वैशाली नगर में विधायक बंगले के पीछे स्थित है बैंक। सफाई कर्मी महिला की सतर्कता आई काम। छत्तीसगढ़ के ट्विन सिटी में उस समय सनसनी फैल गई जब सुबह सुबह बड़ी वारदात होते होते टल गई। यूको बैंक का ताला तोड़कर चोरी की नीयत से अंदर घुसे चोर को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी युवक रामनगर शिवाजी चौक भिलाई का ही रहने वाला है। यह पूरी घटना भिलाई के ही रिहायशी इलाके वैशाली नगर की है। यहाँ स्थित यूको बैंक में ताला को काट कर चोर चोरी का प्रयास कर रहा था। वह अंदर घुस भी चुका था और बैंक के ठीक पीछे वैशाली नगर विधायक विद्यारतन भसीन का बंगला है। ऐसे में पुलिसिंग की पोल भी खुल गई कि आखिर पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी इस क्षेत्र में किस प्रकार से सक्रिय है। और आज की आठवीं बड़ी खबर की बात करते हैं। विधानसभा के आधार पर बनेगी मतदाता सूची। 12 सरपंच व 32 पंच के होंगे चुनाव, तैयारी हो गई शुरू। जिले में होने वाले पंचायत चुनाव में वही मतदाता वोट कर सकेगा जिसका नाम पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान बनाई गई है, मतदाता सूची में दर्ज होगा। राज्य विधानसभा आयोग ने पंचायत निर्वाचन नियम 1995 में संशोधन किया है जिसके अनुसार विधानसभा की निर्वाचन नामावली में नाम दर्ज होने पर ही ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया जा सकता है। दुर्ग जिले में 32 पंच 12 सरपंच रिक्त पदों के लिए उप निर्वाचन करवाया जाना है जिसके लिए निर्वाचन नामावली तैयार किया जाना है। मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 28 अगस्त शनिवार को किया जाएगा। 8 सितंबर बुधवार को दोपहर 3 बजे का दावा आपत्ति ली जा सकेगी। दावा आपत्ति का निराकरण 16 सितंबर यानी गुरुवार को किया जाएगा। और आज की नवी बड़ी खबर की बात करते हैं। मणिपुरम में लूट नाकाम। दुर्ग में पिस्तौल लहराते हुए दिनदहाड़े घुसे दो लुटेरे। कर्मचारियों ने 55 साल के एक बदमाश को धर दबोचा, दूसरा भाग निकला। दुर्ग बस स्टैंड के पास मणिपुरम गोल्ड लोन दफ्तर में गुरुवार को लूट की कोशिश नाकाम हो गई। दोपहर करीब 2 बजे हथियारबंद लुटेरे घर में घुसे थे लेकिन कर्मचारियों ने सतर्कता दिखाते हुए सेफ्टी अलार्म बजा दिया। इसकी सूचना उनके हेड ऑफिस में जा पहुंची, वहां से फौरन पुलिस को सूचना दे दी गई। फिर मौके पर पुलिस और कर्मचारियों ने एक अधेड़ लुटेरे को धर दबोचा जबकि दूसरा व्यक्ति फरार हो गया। पकड़े गए आरोपी का नाम विनय बापना है, उसकी उम्र करीबन 55 साल है। वह अपने आप को दुर्ग का रहने वाला बता रहा है। और आज की दसवीं और अंतिम बड़ी खबर की बात करते हैं। कोरोना काल में बढ़ गए करीब 14 माह में 5,165 नए बीपीएल व 27,697 ने बनवाया बीपीएल नया कार्ड। दुर्ग जिले में कोरोना काल में अचानक गरीबी रेखा और सामान्य राशन कार्ड की संख्या बढ़ गई। 14 महीने में जिले में 5,165 नए बीपीएल राशन कार्ड बने हैं। वहीं राशन कार्ड बनवाने वालों के आवेदन दुगने से ज्यादा बढ़ गए हैं। अप्रैल 2020 से अब तक यानी अगस्त 2021 तक इतने बीपीएल कार्ड नए बनाए गए हैं। इधर 10 रुपए किलो में चावल लेने के लिए सर्वाधिक 24,697 लोगों ने एपीएल राशन कार्ड बने हैं। राज्य में आयुष्मान योजना के शुरू होने के बाद राशन कार्ड बनवाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो ये थी छत्तीसगढ़ की 10 महत्वपूर्ण खबरें। आप देख रहे थे आरजीएनएम झाझर टॉप 10 न्यूज। मैं था पुखराज सिंह और कैमरा के पीछे थे अजीत जायसवाल। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल हमें दीजिए विदा। नमस्कार।